कि वो लड़की कोठे पे काम करती है। अभी पाए लो। मैं पहली बात तो आपको भैया बोल सकती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज के जमाने में कोई भी भैया नहीं बुलवाने के पीछे हटता, इसलिए। कोई नहीं, कोई नहीं बहन, तुम भैया बोलो, तुम्हें बड़ा भाई छोटा भाई जो दिल करे वो बोल सकती हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा, तुम प्लीज। समझ नहीं आ रहा क्या? बच्चों को हम दोनों मिलके पाल लेंगे। क्यों नहीं समझ रहा तुम? हाँ बोला मैंने इसको, तुम बोल रहे हो। मैंने इसको गुदी बोला। नहीं मारिए मत इसे, मारिए मत। तू कॉल कर, बकवास कर रही है। तू कॉल कर, बकवास मत कर, ठीक है? मैं दोस्तों आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और सच बताऊं तो मजबूर हो चुका हूं बैठने पे, क्योंकि एक लड़की का मेरे पास कॉल आता है, लगातार मेरे से वो बात करने की कोशिश करती है कि मुझे दानिश से बात करवा दो, दानिश भाई से बात करवा दो। तो वो मतलब ऑफिस में मेरा फ़ोन आता है वो, और जब हम लोग कॉल को अटेंड किए तो पता क्या चला उस लड़की के बारे में, कि वो लड़की कोठे पे काम करती है। आपने पास्ट में देख रखा था, मैंने बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाया है, मगर अभी क्या चीज़ है, उसके साथ क्या हो रखा है, और दिल्ली में ही वो काम करती थी, अभी फ़िलहाल जैसे उसका कहना है कि 2-2.5 साल से वो छोड़ रखी है, किस जगह पे करती थी किस जगह पे नहीं करती थी ये चीज़ मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ये कहना है कि उसके साथ जो हुआ है वो बताना चाहती है और वो अब ये काम को छोड़ चुकी है। अगर कोई इंसान अपने काम को त्यागता है, गंदे कामों को त्याग के किसी अच्छे ज़िंदगी में जाने की कोशिश करता है, तो फिर आता है एक क्लेश, एक नहीं देखिए एक अलग सा खुन्नस, एक अलग सा टुटका हो जाता है उसके लाइफ में, कि उसकी लाइफ कैसे ऐसे सही हो सकती है, तुम जो गंदगी में थी ना उसी गंदगी में रहो। तो सारा चीज़ बात हो रखा था, आज वो लड़की यहाँ पे आने वाली है। मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि इस वीडियो में मैं कर क्या रहा हूँ और किस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आप देखो, क्योंकि ये हमारे समाज की सच्चाई है, खोखले समाज की सच्चाई है। जो समाज एक अच्छी लड़की को गंदे नज़र से देख सकता है, तो ये सोचो कि गंदी लड़की को किस नज़र से देखता होगा। आज उसके साथ जो परेशानियाँ आ रखी है, ये जब उसने जब फ़ोन पे थोड़ा सा ही ब्रीफ किया था कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था उसके साथ, तो आज यहाँ पे आने वाली बाकी चीज़, बाकी डिटेल मैं उसके मुंह से ही बुलवाऊँगा। और उसका एक बच्चा भी है शायद 2-2.5 साल का, क्या हो रखा है उसके साथ, क्या नहीं हो सकता, और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, वो चीज़ भी मैं एक बार पूछता हूँ, और सारा चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक जो कॉल की है लड़की, वो लड़की भी तो इंसान है। हाँ ठीक है, एक टाइम पे किसी मजबूरी के कारण अगर वो लड़की किसी काम को चुनी है तो आज तो निकलना चाहती है यार उस काम से, थोड़ा सा यार हेल्प करना चाहिए मुझे आपको, और इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि करना ही नहीं चाहिए कोई भी गंदे काम किसी को, अब मजबूरी जो ना करवाए इंसान को, जो भी चीज़ होगा सारा चीज़ उसे आने के बाद मैं देखूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ है आखिर उसके साथ। इस साइड अभी पाए लो। पहल उठो इधर इधर। क्या हो गया इधर? पहले रोना बंद करो, आप रोना बंद करो।
रोना बंद कर। क्या हो गया, क्यों क्यों परेशान हो आप? हाँ भैया आपको मैं क्या बताऊँ। मैं सबसे पहला चीज पायल, ऐसे रोगी ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा? हाँ सबसे पहले ये चीज बताओ कि क्या हो गया है जो तुम इतना परेशान हो, जो इतना मतलब इस तरीके से जूझ रही हो अपनी जिंदगी में। मैं पहली बात तो आपको भैया बोल सकती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज के जमाने में कोई भी भैया नहीं बुलवाने के पीछे हटता, इसलिए। कोई नहीं कोई नहीं बहन, तुम भैया बोलो, तुम्हें बड़ा भाई छोटा भाई जो दिल करे वो बोल सकती हो। और सबसे पहला चीज़ मैं बता दूँ तुम्हें कि मेरा वहाँ ना कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? और खुलकर बोलो कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम बताई थी जैसे अपने बारे में फ़ोन पे कि ऐसा चीज़ हुआ था, ये चीज़ तुम्हारे साथ हुआ था, आज वो चीज़ सारा चीज़ एक एक लाइन एक एक वर्ड तुम बोलो यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। भैया मैं एक मतलब कॉल के क्या क्या इंग्लिश में बोलूँ, मैं ना कोटे पे काम करती थी, ठीक है? मुझे मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, 15 साल की थी। 15 साल में मैं ये काम करने शुरू कर दिया था। 15 साल की एज में? 15 साल की। अभी एज क्या है? अभी है ये, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई मेरी। कितना? 22 साल से, मतलब 22 साल समझ लो तुम, 22 साल की होने वाली हो। 22 साल की होने वाली। हाँ तो मैं ना घर पे कोई नहीं है, ना भाई है ना बाप है, कोई नहीं है मेरे साथ में, तो मैं ही हूँ घर पे। मम्मी है, मतलब वो बुढ़ी है, तो वो काम हम ऐसे घर पे करती रहती थी। वो भी, उनकी भी उम्र नहीं है अब, तो मैं बहुत परेशान में थी भैया। तो मैं इस लाइन पे आ गई थी, 15 साल की थी तब आई थी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, इतनी मजबूरी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मजबूरी में मैंने ये सब किया है। तो कोटे पे मैंने ये सब एक, मतलब बहुत सारे बंदे आते थे, 15-15 बंदे, कहीं 50 बंदे, मतलब सबको मैं टाइम देती थी अच्छे से। सारे लोग बंदे आते थे, मैं उनको सबको टाइम, सबके पास मैं सोती थी। तो ऐसे चलता रहे, ऐसे चलता रहे, तो अचानक में उसमें एक बंदा भी आया, मतलब बहुत अच्छा था वो लड़का, मतलब मुझे लगा अच्छा है। तो उसने मुझसे बोला, पहले तो मेरे साथ में सोता रहा, मेरे साथ में टाइम रोज़ आता था, ऐसा दिन नहीं जाता, रोज़ आता था बंदों के साथ में। तो एक दिन उसने मुझसे बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैंने बोला, मैं नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, मैं ऐसी हूँ तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगी? कोई भी लड़का ऐसा होगा मुझसे प्यार करेगा, ये सब जानते हुए मैं ये काम करती हूँ। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैं नहीं करती, तुम मुझसे झूठ बोल रहे। तो बोलने लगा, नहीं मैं करता हूँ, ऐसे जबरदस्ती मुझसे बोल रहा मैं करता हूँ। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं करते तो तुम कर, तो मैं नहीं करती हूँ। तो बोले ले, मैं तुम्हें साथ में रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, तुम मजाक मत करो मुझसे, ठीक है? को मैं एक धंधे वाली, तुम एक पैसे, तो तुम मुझसे प्यार कहाँ से करोगे, कौन शादी करेगा मुझसे? तो बोले, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुमसे प्यार करूँ तो मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे साथ में रहूँगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। तो मैंने उसको कम से कम बहुत बार मना किया, बहुत बार। तो मेरी एक, मतलब उसी में एक लड़की थी, तो उसने बोला, शायद तू अगर ये लड़का सही बोल रहा है तो इसके साथ में चली जा, यहाँ से जंजाल में से निकल जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उसकी भी बात नहीं मानी, अपनी फ्रेंड की। मैंने बोला, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने ना बहुत ज़्यादा रोया मेरे सामने, रोज आता था। तो फिर मैंने बात मान के मैं भाग गई उसके साथ में, भाग गई। तो वो मुझे लेके चला गया, अपने रूम पे लेके गया घर पे। तो घर पे उसका कहाँ घर हुआ? ये दिल्ली में, क्या बोलते हैं उसको, उसे नाम भूल गई मैं, याद नहीं रहा मुझे, नाम नहीं याद रहा मुझे, क्योंकि इतना टेंशन हुआ है ना मुझे, तो इस वजह से नाम नहीं याद रहा। तुम कहाँ से हो? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो? अच्छा। फिर? तो फिर वो मुझे लेके आया दिल्ली में, लेके आया दिल्ली, मतलब दिल्ली के हूँ रहती थी, लेकिन वहाँ पे भगा के लेके आया मुझे अपने रूम पे। तो मुझे उसने रखा, मुझे शुरू में तो मुझे ऐसा लगा ये मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा चाहता है मुझे, बहुत अच्छे ख्याल से रखेगा, ऐसा लगा मुझे। फिर बाद में क्या हुआ,
कम से कम 15 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया। उसके बाद में उसके घर पे एक लड़का आया, ठीक है, तो मुझे लगा उसका दोस्त होगा, तो दोस्त ही समझो, वो दोस्त ही था, तो वो ऐसे आएगा। तो फिर उसने दारू वगैरह मंगाई, बहुत दारू पी वहाँ पे, तो मैंने लगा कोई बात नहीं, चलो दोस्त है, तो दोस्त के मारे उसने दारू पी ली। तो फिर उसके बाद में वो जैसा दिन नहीं जाता कि दिन वो दारू नहीं पीता था, रोज़ बंदे आते थे उसके रूम पे रोज़, और उसके बंदे जो भी थे वो मेरी तरफ मतलब देखते थे, मेरी तरफ पता नहीं कैसी कैसी गंदी गंदी निगाह करते थे मेरी तरफ देख के। तो मैं बोलूँ पता नहीं क्यों ये क्यों देखे, क्योंकि उसको उसने ना मेरे साथ में अभी भी शादी नहीं की है, अभी भी ऐसे ही है। अभी तक शादी नहीं की? कितना दिन हो चुका था ये? अभी हो गया 1 साल होने जा रहा है। अच्छा, 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। अच्छा, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी भी शादी नहीं की है। तो फिर वो उसके बंदों ने उससे बोला, तेरी घरवाली ना बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके साथ में सोना चाहता हूँ। तो मैंने उसके दोस्तों ने ऐसा बोला? अच्छा, उसने बोला कोई बात नहीं, सो जा। मैं सामने उसके मतलब मैं सामने खड़ी थी वहाँ पे, उसने ऐसे ऐसे बोला, तो उसको ना जवाब नहीं दिया उसने कुछ भी, उसने बोला सो जा, उससे बोला। तो मैं देख के ना हैरान हो गई, मैंने बोला कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। मैं ना इतना परेशान हो गई कि ना ये लग रहा था मर जाऊँ, लेकिन उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने क्या बोला मुझसे बोला, और अभी तक उसने तुमसे शादी नहीं की थी? नहीं, अभी शादी अच्छा। नहीं की है। फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा चलता रहा, उसने बोला सो जा। तो उसने ना जबरदस्ती मुझसे बोला भी सो उसके साथ में, सो उसके साथ, मेरे दोस्त थे उसको खुश कर तू, वहाँ पे ये सब करती रही, यहाँ पे करने में तुझे क्या हो रहा है, ऐसे बोल रहा था मुझसे। अच्छा, तो हो गया ऐसे। फिर मेरे पेट में ना मतलब क्या बोलूँ भैया मैं आपसे, मेरे पेट में ना बच्चा आ गया, ठीक है। तो आ गया तो मैं मतलब मैंने उसको बोला, मैंने बोला ये आपका, मैं पेट से आ गई हूँ, ये देखो, मुझे लगा ये खुश हो जाएगा। उसने क्या मुझे इतनी तेज़ से धक्का मारा और मुझे मारना शुरू कर दिया, ये बोले ना ये मेरा नहीं है, तू तो इधर उधर मुंह मारती है, तो इतने 50 बंदों के साथ में सो के आई है, ये करके आई है, तो ये मेरे कहाँ से हो जाएगा। तो उसे पता नहीं था पहले से कि जो तुम ये काम कर रही हो, तुम्हें निकाल चुका है इस काम से आज? नहीं, उसको पता था, उसने मुझे निकाला था, मुझे ये लगा ये मैं भगवान पता नहीं भगवान के रूम में आया है मुझे निकालने, तो मैं इसलिए उसके साथ में चली। इससे बढ़िया तो मैं वहीं पर सही थी, अगर मुझे ये लगता ये मेरे साथ में ऐसा कर रहा है तो मैं वहीं पर सही थी। मैं ना एक दिन ना लाश हो गई पूरी, किसके किसके साथ में सोऊं मैं, इसके इसके साथ में, इसके भरोसा करके इसने भी मेरे साथ में ऐसे ही किया। तो फिर मेरे पेट में बच्चा आ गया, मैंने बोला तुम्हारा बेबी है ये, तुम्हारा है, तुम बात मानो। उसने बोला नहीं मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, किसी और का है, तू 10 लोगों के साथ में जाती है, 10 लोगों के साथ में सोती है, ये करती है, तो ये मेरा कहाँ से हो जाएगा। मैंने बोला अभी तो मैं तुम्हारे साथ में रह रही हूँ, तो तुम्हारी तो है, किसी और का नहीं है। तो वो बात ही नहीं मान रहा है। अब मेरा बच्चा भी हो गया घर पे, अभी उसको छोड़ के आई हूँ, छोटा अच्छा बच्चा भी। हाँ बताई थी ना, कितना दिन हो गया है? लड़की रहती है वहाँ पे पास में, उसके पास छोड़ के आई थी। तो भैया मैं ना उसको बोलना चाह रही हूँ तुम्हारे बच्चा है, और वो बात नहीं मानता, ये बोलता है मेरा नहीं है, किसी और का है। तो अभी मैं क्या करूँ मैं आपके लिए? मैं भैया ना मुझे ना उससे ना एक बार बात करनी है, उससे ना मिलना है, उसको बोलना है इसका बच्चा ही है। भैया ना मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं इधर की ना हूँ ना उधर की हूँ, मैं जिंदा लाश। वो लड़का कहाँ है अभी? दिल्ली में ही है कहीं और है? अभी तो वो बम्बई में था, बम्बई चला गया था, मुझे पता चला था बम्बई चला गया, लेकिन अब मुझे आ गया यहीं पे, आ चुका है। बात हुआ था तुम्हारा? नहीं बात नहीं हुआ था, उसके जो पड़ोसी वगैरह है ना तो वो मुझे बताते हैं, तो आ गया है वो दिल्ली में है, तो वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा। वो मेरी शक्ल भी बोल रहा है, मतलब ये बोलता है तुझे ना सब लोग से जानते हैं, ऐसे बोलता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो तुम मुझे क्यों लेके आए, तो वहीं पर बना रखते ना, फिर क्यों मुझसे बोला? मैंने तो नहीं बोला था तुमसे तुम मुझे लेके चलो, मैंने तुम्हें मना किया था मत लेके जाओ मुझे। अब एक काम करो बहन, उस लड़का को यहाँ अभी बुला सकते हो?
वो नहीं आएगा, बुलाऊंगी तब भी नहीं। एक बार देखो ट्राई करके, अगर वो आ जाता है तो ही मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊंगा यहाँ पे। एक बार फोन लगाओ और फोन लगा के एक बार उससे बात करो, कन्विंस करो यहाँ पे आने के लिए। बोलो कि कुछ चीजें हैं, कुछ सामान है जो तुम्हें देना है, जो भी बहाना से हो वो बहाना से यहाँ पे एक बार बुला लो उसे, ठीक है? मुझे भी उससे ना एक बार मिलना है। बिल्कुल, मैं चाहता भी हूँ आप मिलो एक बार, देखो बुला लो। दोस्तों मतलब सच बता रहे हैं कि कैसा खोखला समाज हमारे दुनिया में, हमारे सोसाइटी में यहाँ पे बस रहा है, जो एक लड़की को, मतलब अच्छी लड़की को जब गलत नज़र से लोग देख सकते हैं, तो भाई जो लड़की मजबूरी में किसी काम को चुनी है उस लड़की को, भाई आप एक काम करो, आप उसको फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, उसके बाद जो भी चीज़ होगा एक बार मैं अपने वे में मैं उस लड़के से, उस इंसान से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जो भी चीज़ है सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बार लगा लो पहले फोन, देखते हैं। पायल? हाँ मैं ही पायल हूँ बेटो। हाँ हाँ बैठ रहा हूँ पायल। हाँ कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। बोलो तुमने बुलाया था यहाँ पे, क्या हुआ बताओ? बुलाया था? तुम्हें नहीं पता है जैसे पूछ रहे हो। अरे नहीं तुम बताओ तो सही, वैसे क्यों बुलाया था बोलो एक बार, मैं जानू। और तुम बोली थी कि बच्चा है तो हाँ। बच्चा कहाँ है? तुमने अभी तक मेरे को बच्चा दिखाया नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं बच्चा क्यों दिखाऊं तुम्हें? जिंदगी खराब कर दी, मैं तुम्हें बच्चा दिखाऊं? अरे पायल ऐसी बात नहीं है पायल, मैं क्या जिंदगी खराब करूं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। और तुम बोली थी कि अपना लो, मैं बच्चों को अपनाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं बच्चा नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? बच्चे का तुम्हें पूरा खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है? पायल मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे पाऊं, मैं तुम्हें 4-5 बार 2-2 लाख रुपए दे चुका हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कोई अमीर खानदान से नहीं हूँ यार। मत इतना, ठीक है? मैं सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, चिल्लाओ मत। लेकिन तुम समझती नहीं हो ना यार। तुम क्यों रो? मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना देख रही हूँ, सब मैं झेल रही हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ, तुम मेरे को बोल रही हो कि बच्चा, मैं बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने बच्चे की शक्ल ना देखूं क्या? मैं अपने बच्चे को अपने गोद में भी नहीं ले सकता और तुम पैसे मांग रही हो। क्यों दिखाऊं मैं? मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? मैं जिंदगी खराब कर दी, मैं तुम्हें बच्चा दिखाऊं? जिंदगी अगर खराब करी है तो मैं उसको सही भी करने आ रहा हूं, इसलिए तुम्हें पैसे दे रहा हूं। और बोलो बच्चा कहाँ है? मुझे पैसे दे दो, मैं खुद अपने बच्चे का खुद देख लूंगी, ठीक है? पायल मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। मैं खुद परेशान में, तुम मेरे हाथ पैर जोड़ रहे हो। मेरे पास नहीं है पैसे पायल, मैं समझती आ रही, तुम समझती? क्या कर रहे हो तुम? उठो, ठीक है? तुम समझो मेरे पास नहीं है पैसे, मैं ऐसे तो मैं भी रोने लग जाऊं, ऐसे मैं भी करूं ये नाटक? ये नाटक नहीं है, तुम बैठो पहले। क्या बैठूं? तुम, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ठीक है तुम पैसे चाहिए। कितना ये नाटक कर रहे हो? मुझे दिखाई दे रहा किस लिए नाटक कर रहे हो? पैसे मना करने के लिए ना? नहीं दोगे पैसे? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बच्चे के खर्चे के लिए चाहिए, मैं कर दूंगा, लेकिन तुम एक बार बच्चे की शक्ल तो दिखाओ मेरे को, मैं देखूं तो सही कि वो। नहीं दिखा रही हूँ मैं बच्चे की शक्ल, अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे दे दो। और तुमने कपड़ा क्यों बांधा? ये हटाओ, दूर हटो, ठीक है? कपड़ा क्यों बांधा? एक तो मिलने के लिए बुला रही और ऐसे ढक के बैठे जैसे मैं कोई गुंडा हूँ, मैं कोई पुलिस वाला हूँ। तो मेरी मर्जी, मैं नहीं आती हूँ ऐसे। अब तुम देखो पैसे दे दो, ड्रामा ये मत दिखाओ मुझे, मैं ये ड्रामा तुम्हारा देखने नहीं आई हूँ। मैं सच कह रहा हूँ मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, तुम समझो मेरी बात। क्या समझो? क्या समझो? मुझे नहीं समझना, ठीक है? मुझे पैसे दे दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अच्छा बच्चा तो दिखा दो एक बार। नहीं दिखाना बच्चा, घर पे बच्चा है। तुम कह रही हो कि मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं देख सकता? एक बाप को हक नहीं है कि उसका बच्चे को देख सके? हाँ तो मैं घर पे दिखा दूंगी ना, तो आ जाना कभी। अभी क्यों जाऊं? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि समझो मेरे को मेरा बच्चे की। देखो दिमाग खराब मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें भी अपना लूंगा, मैं बच्चों को भी अपना लूंगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है? मुझे दे दो पैसे। अगर क्यों नहीं समझ रहे हो तुम यार? मैं क्या समझूं? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैंने जिंदगी खराब करी है,
तो मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो किसने खराब की है? मुझे पता ना तुमने खराब की, और कौन खराब करेगा यार। वो तो मस्ती में दोस्तों की बातों में आके मैंने वो गलती कर दी है। बोल तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी। ठीक है, बकवास सुनने नहीं यार, मैं यार तुम समझो मेरी बात, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पैसे दे, पैसे लेके आए हो या नहीं लेके आए हो? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे गलती। क्यों नाटक कर रहे हो ये तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा नाटक? मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे पैर पकड़ सकती हूँ, ठीक है? ये नाटक कर रहे हो। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे दे दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो तुम? मैं कहाँ से लाऊं पैसे? कैसे भी लेके आओ, मुझे पैसे से मतलब है, ठीक है? मैं तुम्हें क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है मुझे। हाँ तो वो मेरा भी तो बच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मेरा ही बच्चा अकेले, ठीक है? मैं खुद देख लूंगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा, तुम प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम धक्का क्यों? एक बार बोल देना, दे दो पैसे, दे दो पैसे। मैं बोल रहा हूँ कि समझो प्लीज, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। दूर हटो, ठीक है? एक बार भी समझ नहीं आ रहा इसको, दे दो पैसे, दे दो पैसे। दिल में क्या हो रहा तुझे? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज प्लीज मेरी बात समझो, समझो। क्यों, तुम क्यों नहीं समझो? पायल तुम समझो मेरी बात, तुम्हें याद है ना जब हम मिले थे नए नए, कितनी अच्छी बातें करते थे, प्यार की बातें करते थे, तुम भी बोलती थी, और तुम ऐसे धोखा देके अब बोल रही हो कि पैसे दो ये दो। ज्यादा जोर से मत बोलो, मुझे सुनाई दे रहा सब, इतना जोर से बोलो किसी को सुनाना है क्या? तो तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया मेरे को? मैंने बुलाया तुम्हें पैसे के, ठीक है? पैसे दे दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। पैसा क्यों चाहिए? बच्चे के लिए, बच्चे को हम दोनों मिलके पाल लेंगे। क्यों नहीं समझ रहा तुम? हाँ क्यों नहीं समझ रहा? मेरे को मैंने क्या करा है? क्या नहीं किया? तुमसे प्यार कर रही हूँ ना, पैसे दे दो। मैं भी तुम पे हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। मतलब तुम हाथ उठाओगे मेरे पर? इतनी हिम्मत वाली हाथ उठाओगे? मैं तुम्हें हाथ उठाओगे मेरे पर? मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम पे हाथ नहीं उठा रहा। अरे नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, बोला ना नहीं करती हूँ। अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि समझो मेरी बात, हम बच्चे को पाल लेंगे साथ में। भाई मुझे बचा लो भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो भाई, मेरे को मार रही है, बचा लो मुझे भाई। क्या चल क्या रहा है भाई? मुझे दो तीन बार थप्पड़ मार दिया इसने, और पैसे मांग रही है, मैं कहाँ से लाऊं भाई? कितना झूठ बोलोगे, कितना गिर गए हो तुम भाई, मेरी मदद करो भाई, मेरे को बचा लो, मेरी जिंदगी खराब कर देगी लड़की। ये सब झूठ बोल रहा है, खुद ऐसे कर रहा है, कितना झूठ बोल रही है भाई। तुम तो आई थी कि तुम्हें शादी करनी है, इससे अपनी जिंदगी संवारनी है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं शादी कर लूंगा, बच्चा भी अपना लूंगा, लेकिन ये समझ नहीं रही। दानिश भैया क्या तुम बोल रहे हो, उससे क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना सब मेरे बारे में, मैंने तुम्हें सब बता रखा है, उसकी तुम बोल रहे हो, वो ऐसे नाटक कर रही है सब। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सब बचने के लिए बोल रही है, ये झूठ बोल रही है भाई, मैं बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा। बचने के लिए वो बोल रहा है, मार तुम इसको रही हो। दानिश भैया जो आपने एक मिनट, तुम अभी क्या बोली थी कि मुझे शादी करनी है, अभी इसके सामने क्या बोल रही थी? पैसे चाहिए, कितना पैसा अभी दे चुकी है उसको? पैसे भाई, की बात नहीं है, वो दूसरा कुछ। इसको चुप कर, इसका ज्यादा नहीं बोल, बता दूं ना क्या बता रही है? हेलो हेलो, बोल बोल बोल। हाँ क्या, पैसे अभी मांग रही थी ना? नहीं पैसे नहीं मांग रही, वो पैसे ये बोल रहा था मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अच्छा। तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसे बोल रहा था। अच्छा। झूठ कह रही है भाई, भाई साहब बोल रहे हो, भाई साहब ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, तुम बोल रहे हो, मैंने इसको खुद ही बोला। नहीं मारिए मत, इसे मारिए मत भाई साहब, मारिए मत। ये कैसे लगा रहा तू? दिमाग खराब है क्या तेरा भाई साहब? मारिए मत, ठीक है? अरे तू किस लिए भाई साहब? मत मारिए, मैं उससे प्यार करता हूं। हाथ मत लगा दे, हाथ मत लगा देना, ठीक है? हाथ मत लगाना। क्या बताई थी तू, क्या बताई थी अभी? इधर 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 भाई साहब, भाई साहब नहीं, रहने दीजिए, तू दूर हट, ठीक है? दूर हट जा, तू बैठ वहां पे, तू चुपचाप बैठ भाई, चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। तू इसको कोठे से अपने घर पे ले गया था, सही या गलत? सही या गलत? मैं इससे प्यार, सही या गलत? तू इसको कोठे पे, तू कॉल कर लेना, इधर दे, बकवास मत कर, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये पकड़, मैं कुछ भी नहीं हूँ, झूठ बोला मैं ये सब हूँ, पैसे के लिए बोला मैंने ये सब। तो तू मेरे पास आई थी, इधर 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 भाई साहब मत मारिए भाई साहब, ये सब चीज करते हुए उसका बच्चा, वो देखिए वो मेरे बच्चे की माँ है, ये सब करते हुए तू, ये सब करते हुए तू भूल गई कि यहाँ पे तू कैमरा लगवाई थी, भूल गई कि तू कैमरा लगवाई थी भाई, क्या की थी भाई साहब? मत मारिए, वो एक माँ है मेरे बच्चे की, मत मारिए। कुछ भी नहीं है बच्चा, अच्छा ठीक है, झूठ बोला मैंने सब, नहीं है बच्चा, देखिए
और मुझसे चार बार दो दो लाख रुपए करके ले रुकी है, अब दोबारा मुझसे पैसे ले। तू हार मत लगा, ठीक है, तुझे भी देख लूंगी मैं, बकवास मत कर। क्या करेगी तू, तू जो दे रहा है या नहीं दे रहा है मेरे से बात कर। तू हाथ कैसे लगा रहा है तू मुझे? हां तू हाथ हाथ मत लगा देना, ठीक है? तू कॉल कर। नहीं हूं मैं। इधर देख, इधर देख, तू कॉल। नहीं हूं मैं। ये देख यहां पे कॉल को क्या है तू? नहीं हूं मैं। तू क्या बोली अपने आप को? रण क्या क्या बोली, क्या बोली? हां छोड़, ठीक है। क्या बोली अपने आप को, क्या बोली अभी? तुझे भी मैं देख लूंगी मैं। आजा देख ले। हां आ जाना, देख लूंगी तुझे मैं, चूतिया इंसान। आ जा भाई साहब, मुझे माफ कर दी, मुझे बचा लीजिए भाई साहब। क्या नाम है तुम्हारा? इधर इधर भाई साहब। इधर क्या नाम है तुम्हारा? बट कौन है वो लड़की? भाई साहब मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, और वो मेरे प्यार का नजायज फायदा उठा रही है। कह रही है कि मेरे पेट में तेरा बच्चा है, और ऐसे चार पांच बार मिला के मैं उसको 2-3 लाख रुपए दे चुका हूँ, और अब दोबारा पैसे मांगने आई थी। अब मैं कहाँ से दूंगा? मैं तो गरीब परिवार का हूँ, मैं बस उसके प्यार के चक्कर में मैंने अपनी माँ से लड़ लिया, अपने बाप से लड़ लिया, और वो ये सब कर रही है। अरे यहाँ तो कुछ ओली वो कितना संपत्ति लेके गई थी कि वो है, ये है, वो है, कितना कुछ अपने आप को बोल के गई बस कुछ पैसों के लिए।